ये बात है आज से करीब 10 दिन पहले की, जब फ्री फायर के अंदर एक अपडेट आया। उस अपडेट ने पीसी प्लेयर्स का जीना हराम कर दिया। एमुलेटर में खेलने वाले प्लेयर्स का मैच मैचिंग मोबाइल में लगना बंद हो गया था। और ये अपडेट अब तक की मेरी लाइफ का फ्री फायर का सबसे बुरा अपडेट था, क्योंकि मैं भी फ्री फायर गेम को पीसी में खेलने लगा था। और वो बॉट्स इतने भयंकर थे कि 70-80 का डैमेज देके आपको कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा फिनिश कर सकते थे। फ्री फायर वालों ने ये अनाउंस किया था कि एमुलेटर प्लेयर का मैच सिर्फ और सिर्फ एमुलेटर प्लेयर के साथ लग सकता है, तो हम लोग खुश हो गए थे क्योंकि हमारे साथ एमुलेटर प्लेयर ही फाइट करने के लिए आएंगे। बट बात ये थी कि इंडिया में एमुलेटर में खेलने वाली संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो मैच मैचिंग लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। कोई भी मोबाइल प्लेयर मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको मैच मैचिंग नहीं लगता था। और सारे के सारे लोग मुझे आके इमोट दिखा के हंस के चले जाते थे, जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड कर दिया। मुझे गेम खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं लगने लगा अब से। उसके बाद गाइस मैं क्या करता, मैंने गेम को बंद किया और अपना कंप्यूटर को बंद किया। तो इस अपडेट ने बाकी क्रिएटर के साथ साथ मुझे भी काफी बड़ा झटका दिया, और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। क्या मुझे कॉलैब वीडियो डालना चाहिए? क्या मुझे कस्टम रूम गेम प्ले डालना चाहिए? क्या फ्री फायर इस अपडेट को जल्द से जल्द ठीक करेगा, या फिर मुझे मोबाइल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलने लगा और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए। मेरा भाई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, बट मैं रुका नहीं। जा रहा है भाई, इतना बुरा इतना बुरा क्यों मान रहा है भाई? पीसी में गेम लग जाएगा भाई, मत जा। फिर मैंने डिसाइड किया, मैं अपने दिल को ठंडा करने के लिए मैं जाता हूँ पहाड़ों में। अपने दर्द को छुपाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मैं पहाड़ों में गया, बट वहाँ पर भी गाइस मुझे फ्री फायर बार बार सताती रही। मैं चाहता था कि मैं मोबाइल पे फुल्ली शिफ्ट हो जाऊँ, बट पहाड़ों में इंटरनेट कहाँ मिलता है यार। मेरे दोस्त मुझे संभालने लगे और मैं काफ़ी उदास था, मैं बहुत सैड था। और मेरे दोस्तों ने मुझे खुश करने के लिए पहाड़ों की गोद में ले जाने का फैसला किया, जहाँ पर पहाड़ पूरी तरफ से बर्फ से ढका हुआ था। फाइनली हम लोग पहाड़ों की गोद में ठंडी हवाओं के बीच गुरुदुंगमार लेक पहुँच चुके थे, और वहाँ पर मैंने अपने दिल को थोड़ा सा ठंडक देने के लिए मैंने फ्री फायर खोलने का फैसला किया। मैंने वहाँ पर लेक के सामने बैठ के फ्री फायर खोलना शुरू किया, बट वहाँ पर भी इंटरनेट की कमी थी और मेरा गेम नहीं खुल रहा था, और इस चीज़ ने मुझे फिर से सैड कर दिया। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा उदास कर दिया, और लिटरली मेरे आँख से आंसू टपकने लग गए थे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? फाइनली गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़ोन में प्रैक्टिस करूँगा, बट फोन में भी गेम ओपन नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द पुअर इंटरनेट। और मैंने डिसाइड किया कि मैं मोबाइल को यहीं पर तोड़ देता हूँ, बट मोबाइल गाइस काफ़ी महंगा है वरना पापा बहुत मारेंगे, इसलिए मैंने पत्थर उठा के वहाँ से जमीन में पटक दिया और मैं घर लौटने का फैसला किया। जब हम वापस लौट रहे थे तब भी शायद से मैं ज्यादा सोचने लगा, इसलिए मैं गाड़ी पे ही सो गया। मेरे दोस्त मुझे संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, बट वो फ्री फायर खेलते नहीं कभी नहीं, इसलिए उसको मेरा दर्द कभी समझ में नहीं आएगा। तो पहाड़ों की वादियों से जब मैं घर लौट रहा था, तब मैंने मन ही मन में प्रण किया कि अब से मैं फोन में भी फ्री फायर खेलूंगा और अपने आप को प्रो बनाऊंगा। और डिसाइड किया कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा वैसे ही मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। घर पहुंचते ही मैंने फ्री फायर खोला और ट्रेनिंग रूम में चला गया, और वहां पर मुझे कोई भी आके इमोट दिखा के मार के चला जाता था। बहुत सारे लोगों ने मेरे को भगा भगा के कुत्तों की तरह मारा है। उसके बाद फाइनली गाइज मैंने अपने आप को प्रो बनाने के लिए यहाँ पर मूवमेंट दिखाया, बट मेरा मूवमेंट बॉट से भी स्लो था। बट मैं हिम्मत नहीं हारा, मैंने बार बार कोशिश किया, कभी इंटरनेट का हाई पिंग की वजह से मरा तो कभी ग्लूवाल नहीं लगने की वजह से। अब 22 इंच के स्क्रीन में खेलने वाला बंदा फोन में खेलने लगा था और थोड़ा बहुत प्रो बनना शुरू हो चुका था। वो ड्रैग मारने की कोशिश कर रहा था, बट उसका ड्रैग घुटनों के ऊपर नहीं जा रहा था। फाइनली कुछ घंटों की मेहनत के बाद यहाँ पर मेरा हेडशॉट लगना शुरू हो गया था। उसके बाद अमित भाई यहाँ पर फोन पे मचाने लगे थे। हेडशॉट के बाद यहाँ पर मेरे को मेन प्रैक्टिस था ग्लूवाल का, जो कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर सीख चुका था, और क्लोज रेंज पे भी मैं हेडशॉट मारना थोड़ा बहुत सीख रहा था। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग रूम पे ओनली हेडशॉट चैलेंज करने का फैसला किया और बहुत सारे लोगों को हेडशॉट मारने लगा। अब मैं इतना प्रो हो चुका था कि रोमियो मानिया वगैरह सब लोग एक साथ भी आ जाए तो सबको मैं हेडशॉट मार सकता था। अब फाइनली यहाँ पर चैलेंज किंग से मैं बन चुका था मोबाइल में हेडशॉट किंग। मैं लिटरली हाथ से क्या, मैं पैर से भी हेडशॉट मार सकता था। पैर से तो छोड़ो यार, मैं अपने नाक से भी हेडशॉट मार सकता था, मैं इतना प्रो बन चुका था। बट अब मेरे पास फ्री फायर खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। तब मुझे फोन आता यहाँ पर अज्जू भाई की। अज्जू भाई का जब फोन आया तो मेरे मन में खुशियां भी थी और दुख भी था। पता नहीं अज्जू भाई ने क्यों फोन किया, और मैंने फोन उठाया और अज्जू भाई ने मुझे बोला, हेलो अमित भाई, आ जाओ साथ में वीडियो बना दे।